क्वेश्चन नंबर 105 क्या लिखा है? लेट ए बी सी बी द थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट. इफ पी एफ पी इज इक्वल टू 1.5 पी ए एंड पी एफ सी इज इक्वल टू 0.5 पी बी, देन वाट इज देन पी एफ ए इज इक्वल टू कितना होगा? प्रॉबलिटी ऑफ ए की प्रॉबलिटी कितनी आपको बतानी है. ठीक है, आपको दिया है पी एफ बी दिया है 3/2 पी ए, पी एफ सी आपको दिया है 1/2 पी बी. गाइस तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपका क्या होता है, कोई भी दो इवेंट एक साथ नहीं होता है. तो पी एफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सब क्या होगा आपका? जीरो होगा गाइस. और एग्जॉस्टिव मतलब होता है कि अगर सबको आप मिला दो तो आपको क्या मिल जाएगा? सैम्पल स्पेस मिल जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, पी एफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी एफ ए प्लस पी एफ बी प्लस पी एफ सी माइनस पी एफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी एफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी एफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी एफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये सब जीरो हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन की बात की गई है और ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी में आते हैं, बोल दिया गया. अच्छा गाइस, ये आपका जो होगा पी एफ ए यूनियन बी यूनियन सी फेवरेबल इवेंट और टोटल इवेंट सेम होगा क्योंकि वो बोला है एग्जॉस्टिव इवेंट. जब आपको कोई बोले कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट है तो आपको मानना पड़ेगा फेवरेबल इवेंट और टोटल इवेंट. अगर आप जब करोगे तो आपका यहाँ पे सेम आएगा, तो मतलब आपका ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा. पी एफ ए आपका वही रहेगा, पी एफ बी के प्लस पर रखते हो 3/2 पी एफ ए और यहाँ पे गाइस आपका होगा प्लस, ये हो गया प्लस और 1/2 3/2 पी एफ ए. मतलब सी के प्लस आप रख सकते हो कितना, 1/2 आप पहले से था आपका ये वाला, देख रहे हो गाइस, और बी के प्लेस पे रख सकते हो ये कितना. अरे यार आप देखो ना, यहाँ से आप ले सकते हो 1/2, ये होगा 3/2 पी एफ ए ले सकते हैं ना, वही तो मैं लिखा हूँ यहाँ से. देखो तो पी एफ ए यहाँ से मैं काम ले लूँगा. ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 14/3 आ जाएगा, 14/3 और ये जो ऊपर जाएगा तो पी एफ ए देखो गाइस हमारे पास कितना हो जाएगा, 13/4 इस तरह से बन जाएगा. तो 13/4 ना, तो इस सब जो गाइस हमारा जो आंसर आ रहा है, सॉरी गाइस यहाँ पे 13/4 होगा. कितना होगा, 13/4 होगा. जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा, उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 4/ कितना हो जाएगा, 13. तो इस तरह जो गाइस आपका आंसर आएगा, आंसर आपका आएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, जिसमें ऑप्शन आपको दिया 4/13.